मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल एरिया के अंदर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के कितने पार्ट्स के अंदर वो डिवाइडेड होता है। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किन चीजों पर डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना, ब्लड सप्लाई ऑफ द वेजाइना, लिम्फ ड्रेनेज एंड नैरो सप्लाई, फंक्शन ऑफ वेजाइना और यूट्रस। इनके बारे में क्या है, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। एक बार अपन क्या है, जो अपना नया टॉपिक है क्या पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, उसको स्टार्ट करने से पहले क्या है जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना, तो जो वेजाइना है वो क्या है, तीन लेयर के अंदर क्या है बने हुई होती है। द आउटर कवरिंग और ऑफ एल्वियोलर टिश्यू, जो आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है, एल्वियोलर टिश्यू की होती है। मिडिल लेयर जो है वो किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम की होती है। जो वेजाइना है उसकी कितनी कवरिंग होती है, अपनी कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है। आउटर कवरिंग जो है वो किसकी होती है, एल्वियोलर टिश्यू की होती है। मिडिल लेयर है वो किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की होती है। और जो इनर लेयर होती है वो किसकी होती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम की बनी हुई होती है। इट हैज नो सेक्रेटरी ग्लैंड बट द सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट बाय सर्वाइकल सिक्रेशन। यहाँ पे क्या है, कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं होती। जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हॉर्मोन्स वगैरह को सिक्रेशन करना। बट यहाँ पे क्या है, जो मॉइस्ट है वो किसकी वजह से रहती है, सर्वाइकल सिक्रेशन की वजह से। क्या है यहाँ पे मॉइस्ट रहती है हमेशा। बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट। प्यूबर्टी के दौरान क्या है, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस बैक्टीरिया क्या है, नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। और वो क्या सीक्रेट करते हैं, लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। और लैक्टिक एसिड का क्या काम होता है, पीएच जो है अपना उसको क्या है, मेंटेन करके रखता है। 4.9 से लेकर 3.5 तक क्या है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। द एसिडिटी इन वार्ड द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट अदर माइक्रोब दैट में एंटर इन द वेजाइना फ्रॉम द पेरिनियम। नेक्स्ट आता है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो एन आर्टेरियल प्लेक्सिस इज फॉर्म राउंड द वेजाइना डिराइव्ड फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। जो अपनी यूट्राइन और वेजाइनल आर्टरी है वो क्या करती है, यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। और वो किसकी ब्रांचेज है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांचेज होती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, वीनस प्लेक्सिस के थ्रू होता है। सिचुएटेड इन द मस्कुलर वॉल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मस्कुलर वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे ड्रेन होता है, इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर क्या है, ड्रेन होता है। तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी के द्वारा क्या है, यहाँ पे अपना इंटरनल जो ब्लड सप्लाई होती है। और वो जो अपनी यूट्राइन और वेजाइनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज कौन करता है, अपने यहाँ पे जो है वीनस ड्रेनेज वीनस प्लेक्सिस के थ्रू होता है। और वीनस प्लेक्सिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो अपनी मस्कुलर वॉल है वहाँ पे क्या है सिचुएटेड होता है। ड्रेन कहाँ पे होता है, इंटरनल इलियक जो वेन है वहाँ पे क्या है, अपना ड्रेन होता है।
नेक्स्ट अपना है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है, यहाँ पे सुपराफिशियल इलियक ग्लैंड जो है उसके द्वारा क्या है अपना लिम्फ ड्रेनेज होता है, और नर्व सप्लाई कौन करता है। नर्व सप्लाई यहाँ पे तीन टाइप से होती है, कैसे कैसे, पैरासिम्पेथेटिक है वो कैसे होती है सेक्रल आउटफ्लो में, सिंपेथेटिक फाइबर है वो कैसे होती है लंबर आउटफ्लो में, और सोमेटोसेंसरी जो फाइबर्स है वो कैसे होते हैं पुडेंडियल नर्व के थ्रू होते हैं। लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है, दिस इज थ्रू द डीप एंड सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड्स। अपनी जो सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड है उसके द्वारा क्या है यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई कैसे होती है, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर जो उससे क्या होती है सेक्रल आउटफ्लो, सिंपेथेटिक फाइबर है उससे लंबर आउटफ्लो, सोमेटिक सेंसरी फाइबर है उनसे क्या है पुडेंडियल नर्व जो है वो क्या करती है नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट फंक्शन ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के क्या क्या फंक्शन होते हैं, द वेजाइना एक्ट द रिसिपिटेल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग क्लोटस एंड प्रोवाइड एन इलास्टिक पाथवे थ्रू विच द बॉडी पास ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या है पेनिस का रिसीवर होता है ये, और जो अपना बेबी जो है वो जब बर्थ करता है उस दौरान क्या है उसको स्मूथ जो है वो पाथवे प्रोवाइड करवाती है वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है यूट्रस। द यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन। यूट्रस क्या है, होलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है फ्लेटेड एंट्रियो पोस्टरली, इट लाइज इन द पेल्विक केविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट लाइज इन द पेल्विक केविटी, पेल्विक केविटी के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर एंड द रेक्टम। अपना जो यूरिनरी ब्लेडर है और जो रेक्टम है उसके क्या है बीच में प्रेजेंट होता है। इन मोस्ट वुमेन इट लाइन फॉरवर्ड एंड इट बी सेंट फॉरवर्ड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द वेजाइना, सो दैट इज एंटीरियर वॉल रेस्ट पार्टली अगेंस्ट द ब्लेडर बिलो एंड फॉर्मिंग द वेस्टो यूट्राइन पाउच बिटवीन द टू ऑर्गन। और ये क्या होती है यहाँ पे वेसिको जो अपनी यूट्राइन पाउच है वो क्या है बनती है। When the baby
व्हेन द बॉडी इन द अपराइट पोजिशन, जब बॉडी अपनी जो है वो किस पोजिशन में रहती है, अपराइट पोजिशन में, द यूट्रस लाइज इन द ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो उस कंडीशन में क्या है, यूट्रस अपना किस पोजिशन में रहता है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन के अंदर रहता है। इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। 7.5 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, और जो वॉल है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, थिकनेस होती है, और वेट है वो कितना होता है, लगभग 30 से 40 ग्राम क्या है, वेट होता है। नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन भागों में क्या है यूट्रस डिवाइडेड है, कौन से पार्ट है, फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स है, ये क्या है यूट्रस के अपने पार्ट है। यूट्रस जो है वो कितने भागों में डिवाइडेड है, तीन भागों में डिवाइडेड कर रखा है उसको, सबसे फर्स्ट पार्ट जो फंडस है, देन आफ्टर क्या आता है बॉडी है, देन आफ्टर क्या है सर्विक्स पार्ट उसका होता है। सबसे पहले क्या है फंडस, जो फंडस है वो क्या कैसा होता है, द फंडस इज द डोम से पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स। जो अपना फंडस है वो कैसा होता है, डोम शेप का होता है, ठीक है, किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है, कहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है वहां पे क्या है इसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है क्या बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट, ये क्या है मेन पार्ट होता है किसका, यूट्रस का। इट इज नैरोवेस्ट इंफीरियरली एट द इंटरनल और ओस, ये क्या है, इट इज द नैरोवेस्ट इंफीरियरली, नैरोवेस्ट नैरो का मतलब नैरो होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है इंफीरियरली में होता है, एट द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस की क्या है इंफीरियरली साइड के अंदर ये होता है, और ये क्या है नैरोस्ट पार्ट होता है। वेयर इट इज कंटिन्यूस विद द सर्विक्स, और किसके साथ कंटिन्यूस रहता है, अपना जो सर्विक्स पार्ट है उसके साथ क्या है ये कंटिन्यूस टच में रहता है। तो जो बॉडी है वो क्या है मेन पार्ट होता है, नैरोस्ट पार्ट होता है, इंफीरियरली होता है किसके, इंटरनल ओएस है उसके क्या इंफीरियरली में होता है। वेयर इट कंटिन्यूस विद द सर्विक्स, और किसके साथ कंटिन्यूस रहता है, सर्विक्स के साथ क्या है ये कंटिन्यूस रहता है। द बॉडी है वो क्या है एक मेन पार्ट होता है किसका, यूट्रस का, ये क्या है नैरोस्ट पार्ट होता है, कहाँ पे होता है इन्फीरियरली एट द इंटरनल ओस, वेयर इट इज कंटिन्यूस विद द सर्विक्स, और किसके साथ कंटिन्यूस रहता है, अपना सर्विक्स जो उसके साथ क्या है कंटिन्यूस रहता है।
नेक्स्ट क्या है अपना, सर्विक्स, नेक ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स को अपन क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस, अपन इसको क्या है बोलते हैं। दिस प्रोट्रूड थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, ओपनिंग इनटू द इट एट द एक्सटर्नल ओएस। इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये नेक ऑफ द यूट्रस होता है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, जो अपना एक्सटर्नल ओएस है वहां पे क्या है, सर्विक्स की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, द वॉल ऑफ द यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो अपना यूट्रस के जो वॉल है ठीक है, वो कितने लेयर के अंदर बने हुए होते हैं, 3 लेयर के अंदर क्या है बने हुए होते हैं, 3 लेयर से क्या है कंपोज्ड होते हैं। कौन सी, पेरिमेट्रियम, बायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्या कौन सी 3 लेयर होती है, पेरिमेट्रियम, बायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये क्या है 3 इसकी लेयर होती है, पेरी, मायो और एंडो। तो यूट्रस है वो क्या है 3 लेयर से मिलके बना हुआ आता है, 3 लेयर से क्या कंपोज होता है, इसकी कौन सी लेयर होती है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये क्या है इसकी 3 लेयर होती है। ये क्या है सेक्शन है किसका, यूट्रस का, यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है, इसके अंदर कैविटी और बॉडी है। मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ मसल्स है, एंडोमेट्रियम वो क्या है एपिथीलियम की बनी हुई है, पेरिमेट्रियम जो है वो क्या है पेरिटोनियम की बनी हुई है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये इंटरनल ओएस है सर्विक्स का, ये क्या है एक्सटर्नल ओएस है किसका, सर्विक्स का, ये क्या है कैविटी है सर्विक्स की और ये वेजाइना है। तो इस डायग्राम के अंदर अपने क्या क्या चीज दिखाई गई है, यूट्राइन ट्यूब है, कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, जो अपनी बॉडी है किसकी, यूट्रस की जो कैविटी है वो दिखाई गई है, जो अपनी 3 लेयर है कौन सी, मायो, एंडो और पेरिमेट्रियम। मायोमेट्रियम किसकी बनी हुई होती है, इसमें स्मूथ मसल्स की, एंडोमेट्रियम किसकी, एपिथीलियम की, और जो अपनी पेरिमेट्रियम है वो उसमें क्या है पेरिटोनियम प्रेजेंट है, ये क्या है अपनी यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पे ये अपना जो है इंटरनल ओएस दिखाया गया है, ये कैविटी दिखाई गई है किसकी, सर्विक्स की, और ये इंटरनल एक्सटर्नल ओएस दिखाया गया है किसका, सर्विक्स का, और ये क्या है अपनी वेजाइना दिखाई गई है। तो अगर अपन यूट्रस का सेक्शन देखेंगे तो उसमें अपने को ये चीजें क्या है शो होंगी।
तो यूट्रस के सेक्शन में अपने को क्या क्या चीजें दिखी हैं? यूट्राइन ट्यूब है, केविटी ऑफ बॉडी है, केविटी बॉडी ऑफ यूट्रस है, मायोमेट्रियम है जो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की, एंडोमेट्रियम जो किसकी बनी हुई है, एपिथीलियम की बनी हुई है, पेरिटोनियम किसकी है, पेरिटोनियम की बनी हुई, पेरिमेट्रियम किसकी है, पेरिटोनियम की बनी हुई है, सर्वाइकल कैनाल प्रेजेंट है, कैविटी ऑफ सर्विक्स है, इंटरनल ओएस है सर्विक्स का, ये एक्सटर्नल ओएस है किसका, सर्विक्स का, और ये क्या है अपनी वेजाइना है, ये इस डायग्राम के अंदर अपने को शो किया गया है। नेक्स्ट अपनी है पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम क्या है, जो अपनी लेयर है वो किसके, दिस इज द पेरिमेट पेरिटोनियम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंशियली ऑन द वेरियस सरफेस ऑफ द यूट्रस। ये क्या है, पेरिटोनियम जो है, दिस पेरिटोनियम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंशियली ऑन द वेरियस सरफेस ऑफ द यूट्रस। ये किसकी क्या सरफेस, बहुत सारी इसमें दिखाई गई है। एंटीरियरली इट एक्सटेंड ओवर द फंडस। एंटीरियरली क्या है, एक्सटेंड ओवर द फंडस एंड द बॉडी वेयर इज फोल्डेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। एंटीरियरली ये कहाँ पे, एंटीरियरली इट एक्सटेंड ओवर द फंडस, कहाँ तक, फंडस तक, एंड द बॉडी बॉडी वेयर इट इज फोल्डेड ऑन द अपर ऑन टू द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म द वेस्टोयूट्राइन पाउच। ये क्या बनाती है, यहाँ पे ये फोल्ड जो है पेरिटोनियम की वो क्या बना रही है, वेसिकोयूट्राइन जो पाउच है वो क्या है यहाँ पे बन रहे हैं अपने। पोस्टीरियरली द पेरिटोनियम एक्सटेंड ओवर द फंडस। पोस्टीरियरली क्या है, पेरिटोनियम एक्सटेंड ओवर द फंडस द बॉडी एंड द सर्विक्स, देन इट कंटिन्यूस ऑन द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टोयूट्राइन पाउच। और रेक्टोयूट्राइन पाउच को अपन क्या बोलते हैं, जो पाउच ऑफ डोगल्स हैं वो क्या अपन बोलते हैं। लेटरली, लेटरली क्या है, लेटरली ऑन द ओनली द फंडस इज कवर्ड बिकॉज द पेरिटोनियम फ्रॉम ए डबल फोल्ड विद द यूट्राइन फोल्ड यूट्राइन ट्यूब इन द अपर फ्री बॉर्डर। लेटरली क्या, लेटरली ओनली द फंडस इज कवर्ड, किससे कवर्ड है, इज कवर्ड बिकॉज द पेरिटोनियम फॉर्म में डबल फोल्ड। पेरिटोनियम क्या बनाती है, डबल फोल्ड विद द यूट्राइन ट्यूब, किसके साथ, यूट्राइन ट्यूब के साथ, इन द अपर फ्री बॉर्डर, कहां पे, अपर जो फ्री बॉर्डर है वहां पे। दिस डबल फोल्ड इज ब्रॉड लिगामेंट। ये जो डबल फोल्ड है ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट होता है विच एट इट लेटरल एंड, कहां पे, एट इट लेटरल एंड अटैच द यूट्रस टू द साइड ऑफ द पेल्विस। नेक्स्ट क्या अपनी मायोमेट्रियम है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू इन द यूट्राइन वॉल। ये क्या है, थिकेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे पतली लेयर होती है किसकी, यूट्राइन वॉल की। इट इज ए मास ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या है, मास ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर इंटरलेकेटेड विद द एल्वियोलर टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व। नेक्स्ट अपने क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर। जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर एपिथेलियम। ये किससे बनी होती है, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम से बनी होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड। और क्या करती है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है। इट इज डिवाइडेड फंक्शनली इंटू टू लेयर। फंक्शन के आधार पर क्या है इसको,
दो भागों के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, फंक्शनल लेयर, सेकंड क्या है, बेसल लेयर। द फंक्शनल लेयर है वो क्या है, द फंक्शनल लेयर इज द अपर लेयर एंड इट थिकनेस एंड बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फंक्शनल लेयर है वो क्या है, इज द अपर लेयर इज एंड इट थिकनेस एंड बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ द ओम इज नॉट फर्टिलाइज द डज नॉट इम्प्लांट इम्प्लेंट दिस लेयर इज शेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्या है, द बेसल लेयर इज द नेक्स्ट मायोमेट्रियम एंड इट इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इट इज द लेयर फ्रॉम विच द फ्रेश फंक्शनल लेयर इज रिजनरेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल। द अपर टू थर्ड ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन फर्दर फॉर टूवर्ड द वेजाइना। हाउ एवर द म्यूकोसा चेंजेस बिकम सर्टिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द वेजाइना इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या है अपनी, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो ब्लड सप्लाई है वो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है, वो किसके द्वारा होती है, दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो क्या है यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी के द्वारा क्या है ब्लड सप्लाई होती है, और वो किसकी ब्रांचेज है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है ब्रांचेज होती है। दे पास अप द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। द सप्लाई द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब एंड ज्वाइन विद द ओवेरियन आर्टरी टू सप्लाई द ओवरीज। ओवरी को कौन करता है, ओवेरियन आर्टरी है वो क्या करती है, ओवरी को करती है, और जो वेजाइनल आर्टरी है वो किसको करती है, वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज जो है वो कहाँ पे होता है, इनका सेम रूट होता है, ठीक है, और जो अपना इंटरनल इलियक वेन है वहां पे क्या है इनका वीनस ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट अपना है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो देर आर डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स विच ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब। आर्टिक लिम्फ नोड एंड द ग्रुप ऑफ नोड एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल्स। आर्टिक लिम्फ नोड जो है वो क्या करता है, यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज करता है, और जो नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, द नर्व सप्लाई द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फाइबर फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो एंड सिंपेथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो। पैरासिम्पेथेटिक फाइबर जो है वो किसके द्वारा होता है, सेक्रल आउटफ्लो के द्वारा होता है, और सिंपेथेटिक फाइबर जो है वो किसके द्वारा होता है, लंबर आउटफ्लो के द्वारा। यहाँ पे क्या है अपना जो लिम्फ ड्रेनेज और सॉरी नर्व सप्लाई होती है। नेक्स्ट अपनी है सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। ये अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर क्या अपन अपनी डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।